व्हाई थॉर कांट सेव टोनी स्टार्क। यहाँ दोस्तों ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि आखिरकार थॉर टोनी स्टार्क को क्यों नहीं बचा सकता। वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, वो स्पेस में जिंदा रह सकता है। अब उसके पास तो एक बहुत बड़ा हथियार भी है जो कि है स्टॉर्म ब्रेकर। और ये म्योनिर से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि म्योनिर के पास भी शक्ति थी बिजली को लाने की, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर कुछ अलग है। स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की पावर्स एनहांस तो करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो एक दूसरा काम करता है, वो बायफ्रॉस्ट को बुला सकता है। अब बायफ्रॉस्ट का क्या रोल है आइए जानते हैं थॉर 1 मूवी से। याद कीजिए, जब लोकी न्यूटनहाइम को तबाह करने जा रहा था तो उसने बायफ्रॉस्ट न्यूटनहाइम पे खोल दिया था। अब बायफ्रॉस्ट की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर किसी ग्रह पे खुला रह जाए तो उस ग्रह को नष्ट कर देता है। तो इसी मकसद से लोकी ने बायफ्रॉस्ट को न्यूटनहाइम पे खोल दिया। तब थॉर के पास कोई और चारा नहीं बचा, इसलिए उसे बायफ्रॉस्ट को तोड़ना पड़ा। उसके बाद हुआ क्या, जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर स्टॉर्म ब्रेकर लेके अर्थ पे आया तो स्टॉर्म ब्रेकर 10 सेकंड के लिए खुला था। अब महज 10 सेकंड में उसने कई सारे थानोस के एलियंस को मार दिया। तो अगर गलती से थॉर को पता चल भी गया कि टोनी स्टार्क स्पेस में फंसा है तो वो टोनी स्टार्क को बचा नहीं सकता। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर थॉर ट्रैवल करेगा भी तो स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू करेगा, और स्टॉर्म ब्रेकर एक जगह से दूसरी जगह कैसे उसको ले जाएगा? बायफ्रॉस्ट की मदद से। तो अगर थॉर वहाँ पहुँचता भी है तो उसका बायफ्रॉस्ट तो अगर थॉर वहाँ पहुँचता भी टोनी स्टार्क को बचाने के लिए तो उसका बायफ्रॉस्ट इतना तेज़ी से खुलेगा कि टोनी स्टार्क का जो बेनेटार शिप है वो तबाह हो जाएगा, और टोनी स्टार्क को बचाने की जगह थॉर टोनी स्टार्क को मार ही देगा। तो दोस्तों और भी कई तरीके हैं जिससे टोनी स्टार्क को बचाया जा सकता है, लेकिन जो फैंस ने ये तरीका बोला था कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से टोनी स्टार्क को बचा सकता है, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। दोस्तों आपके पास कोई तरीका है जिससे टोनी स्टार्क को बचाया जा सकता है? अगर आपके पास कोई तरीका है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।